वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत सताओ कि उसके अंदर कुछ खो देने का डर ही ना रहे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बीच पर जहाँ एक छोटी बच्ची रेत से खेल रही थी। आइलीन नाम की एक औरत भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन अचानक उसे कुछ फौजी गोलियां चलाते हुए दिखने लगे और वो दर्द में चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि ये तो बस एक सपना था। वो एक कुर्सी पर एक ऐसे कमरे में बैठी थी जिसका ना तो कोई दरवाजा था और ना ही खिड़की। उसे कुछ पता नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। उसे तो अपनी पूरी जिंदगी का भी कुछ याद नहीं था। तभी कहीं से एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आई जिसने उसे टेबल पर रखी पेंसिल हिलाने को कहा। आइलीन के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया और उसने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर वो पेंसिल हिलाई। टास्क खत्म होने पर आइलीन ने फिर सवाल करने चाहे, लेकिन एक बजर बजा और उसी वक्त वो बेहोश हो गई। एक बार फिर से उसे वही सपना आया और फिर से उस एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे वही पेंसिल हिलाने का टास्क दिया, लेकिन इस बार वो कुर्सी से बंधी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी। ये सुनते ही उसके दिमाग में बहुत सी यादें घूम गई और उसे एहसास हुआ कि समुद्र किनारे खेल रही वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ईव है। वो छटपटाकर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे टास्क पूरा करना ही होगा, इसलिए उसने अपने जूते फेंककर पेंसिल को गिरा दिया। एक बार फिर से बजर बजा और आइलीन बेहोश हो गई। इस बार उसे ढंग से सपना दिखा जिसमें उसकी बेटी उसे खेलने के लिए बुला रही थी। आइलीन खेलते खेलते जमीन पर लेट गई और सपने में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो सपने की ही तरह जमीन पर सो रही थी। उसके हाथ पैर खुले थे और अजीब सा खाना टेबल पर रखा था। अभी कोई टास्क नहीं था, इसलिए उसने कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुर्सी भी जमीन से जुड़ी हुई थी ताकि आइलीन उससे कुछ तोड़ फोड़ ना करे। वहां पर ऐसा खाना रखा था जिसे शायद कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब उसने हिचकिचाते हुए खाने को चखा तो उसे बहुत पसंद आया और कुछ ही पलों में सारा खाना खत्म हो गया। इसके बाद उसने खुद को देखा और अपनी बुरी हालत देखकर घबरा गई। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी और सर पर एक चोट का निशान भी था जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। वो सर्जरी के निशान जैसा लग रहा था, जिससे आइलीन काफी डर गई। उसे लगा कि ये लोग जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ खतरनाक कर रहे हैं। आइलीन रोते रोते सो गई और ईव की यादें उसे फिर से सताने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे फिर उठा दिया, जिससे आइलीन गुस्से में भर गई और ईव के जिंदा होने का सबूत मांगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे ईव की आवाज सुनाई जो काफी डरी हुई थी। तभी आइलीन को अगला टास्क दिया गया, लेकिन इस बार टेबल से पहले एक कांच की दीवार थी। कोई रास्ता ना दिखने पर आइलीन ने खुद ही जोर जोर से उस कांच की दीवार से टकराना शुरू कर दिया। ये करने से उसे बहुत दर्द हुआ और वो परेशान होकर रोने चिल्लाने लगी। उसने पेंसिल को हिलने का ऑर्डर दिया और अचानक पेंसिल अपने आप गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बजर ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। फिर से वही बीच वाला सपना शुरू हुआ, लेकिन इस बार उसके माथे से खून बह रहा था। वो अपनी बेटी के साथ रेत का घर बना रही थी कि तभी एक मर्द की आवाज आई और उसने आइलीन के कंधे पर हाथ रख दिया। जब वो उठी तो वो कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके माथे पर वही निशान था और जमीन पर एक आदमी भी मौजूद था जो पता नहीं कैसे पर उसका नाम जानता था। उसके पास आने पर आइलीन ने उसे अपना किडनैपर समझकर धक्का दे दिया, लेकिन आदमी ने बताया कि वो उसका पति रॉजर है। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। आइलीन ने उसे बताया कि उनकी बेटी की जान खतरे में है, जिसकी वजह से उसे उनका कहा मानना पड़ता है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे अगला टास्क देकर पेंसिल को तोड़ने को कहा। आइलीन की तरह रॉजर को भी किसी बात का जवाब नहीं मिला और उन दोनों में बहस छिड़ गई। रॉजर ने खुद पेंसिल उठा ली, लेकिन एक अलार्म बजने लगा क्योंकि सिर्फ आइलीन ही इस टास्क को कर सकती है। उसने पेंसिल वापस रख दी और आइलीन की मदद करने की बजाय उस पर चिल्लाने लगा। इस बात से उसे भी गुस्सा आ गया और वो भी चिल्लाने लगी और उसके गुस्से से पेंसिल के खुद ही दो हिस्से हो गए। रॉजर हैरान रह गया। आइलीन के कानों से खून बहने लगा और एक बार फिर से बजर की आवाज सुनते ही वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वहाँ उन दोनों के लिए खाना रखा था। आइलीन ने कहा कि अपनी बेटी को बचाए रखने के लिए उन्हें इन लोगों का कहा मानना होगा, लेकिन रॉजर को इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। रॉजर ने आइलीन से कहा कि शायद उसके पास किसी तरह की शक्तियाँ हैं, लेकिन आइलीन को ये सब एक वहम लग रहा था। फिर रॉजर ने उसे याद दिलाया कि कैसे उनकी लड़ाई के दौरान घर में चीजें टूट जाती थी। ये सुनते ही आइलीन को दिखा कि उनकी बीच पर भी लड़ाई हुई थी। पानी पीकर वो जमीन पर लेट गई और रॉजर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीच के सपने में वो जमीन पर ही थी और ईव पूछने लगी कि वो बार बार कहाँ चली जाती है। उसने अपने पिता के बारे में भी पूछा और अचानक गायब हो गई। आइलीन अकेली अपनी बेटी को पुकारती रही, तभी वो अचानक से चिल्लाते हुए उठी। अब आइलीन इस सब से थक चुकी थी, लेकिन रॉजर ने उसे उसकी ताकत याद दिलाई। उसने आइलीन से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टेबल के पेंच खोलने को कहा।
बहुत ध्यान लगाने पर आइलीन कामयाब रही और सारे पेंच खोल दिए। अब बॉल को बाल्टी में डालना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। कुछ देर बाद रॉजर ने उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। आइलीन को याद आया कि वो ईव के जन्मदिन पर उसे बीच पर लेकर गए थे, लेकिन रॉजर वहाँ पूरा वक्त सोता ही रहा। इसके बाद दोनों बिना सवाल किए किडनैपर्स की बात मानते रहे। हर एक टास्क पिछले वाले से कुछ ना कुछ मुश्किल होता था। एक पेज पलटने से लेकर रेत का पूरा महल बनाने तक के सारे काम आइलीन ने बखूबी कर दिखाए। हर बार उसके कानों से खून बहता और दोनों वो अजीब सा खाना खाकर खुद को जिंदा रखते। अब की बार उसे एक बंदूक को असेंबल करना था। रॉजर इससे काफी घबरा गया और इसी वजह से आइलीन ध्यान नहीं लगा पा रही थी। वो 10 बार में भी बंदूक को सही नहीं जोड़ पाई तो रॉजर उसे टोकने लगा, जिससे आइलीन गुस्से से भर गई। उनके बीच फिर से बहस होने लगी और उसे याद आया कि वो बीच पर भी किसी बात पर लड़ रहे थे। रॉजर पहले तो लड़ाई करके आइलीन की बेइज्जती करता और बाद में माफी मांग लेता, लेकिन कभी भी सुधरता नहीं था। गुस्से में आकर आइलीन ने अपनी पूरी ताकत से बंदूक को जोड़ा और गोली चला दी, लेकिन गोली रॉजर को लगने से पहले ही उसने रोक दी। हमेशा की तरह बजर बजा और आइलीन बेहोश होकर बीच वाले सपने में पहुंच गई। उसने देखा कि ईव ने रेत का आधा महल बना लिया था, लेकिन रॉजर ने उसे तोड़कर खराब कर दिया। उसने कहा कि ये सब गलती से हो गया, लेकिन आइलीन उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब वो उठी तो एक जिंदा लाश की तरह बिना कुछ बोले बस एक जगह देखे जा रही थी। रॉजर ने उसके कंधे दबाकर उसे आराम देने की कोशिश की और खाना भी खिलाया। फिर आइलीन ने उससे अपनी बीती जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं था। उसने बताया कि आइलीन एक टीचर बनने वाली थी, जबकि रॉजर एक सिंगर हुआ करता था, लेकिन ईव के पैदा होने के बाद ये गाना वाना छोड़कर वो नौकरी करने लगा। अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद करके दोनों हंसने लगे और एक दूसरे को सारी पिछली लड़ाइयों के लिए माफ भी कर दिया। फिर वो रॉजर की गोद में सर रखकर एक बार फिर से सपनों की दुनिया में खो गई। उसका परिवार उसी बीच पर था, लेकिन इस बार रेत में कोई अजीब चीज दबी हुई थी। आइलीन ने निकाल कर देखा कि वहाँ रॉजर की अंगूठी और ईव की चप्पल थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो भी नीचे गिर गई और रेत में दफन होने लगी। अचानक उसकी आँख खुली और अगले खतरनाक टास्क में उसे रॉजर को बचाना था, जो एक कांच के डिब्बे में बंद था जिसमें रेत भरती जा रही थी। घबराहट में वो अपनी ताकत का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और उसके सपने की वो अजीबोगरीब यादें उसे बार बार भटका रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कुर्सी मारकर कांच तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास रोते हुए अपने पति को अलविदा कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी एडमिनिस्ट्रेटर बार बार टास्क ना पूरा करने का मैसेज देने लगा, जिसे सुन सुन कर आइलीन पागल सी हो गई। बीच पर भी उसके चिल्लाने की यादें दिखाई देने लगी और अचानक से एक दरवाजा खुला, जिससे कई सारे फौजी अंदर आ घुसे। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थी। अपनी ताकत के इस्तेमाल से उसने सभी फौजियों को मार डाला। उसने देखा कि अब तक 298 टास्क हो चुके थे और आखिरी वाला अभी भी चल रहा था। और फौजी वहां आ पहुंचे और आइलीन पर गोलियां बरसा दी, लेकिन अब आइलीन अपनी शक्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख चुकी थी। उसे एक भी गोली नहीं लगी। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को निपटा कर वो नीचे वाले फ्लोर पर गई। वहां उसे 3 नीले दरवाजे मिले। वहां पर रॉजर भी था, जो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने दूसरे दरवाजे की ओर इशारा किया, जिसमें रॉजर जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्लोन्स अगले एक्सपेरिमेंट्स के लिए एकदम तैयार थे। तभी और सिक्योरिटी वाले आ गए और आइलीन ने सबको मार गिराया। उसने देखा कि वो सब भी एक जैसे दिखने वाले क्लोन्स थे। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां ऊपर से तेज रोशनी आ रही थी। एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आई कि उसके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। जब आइलीन ने अपनी बेटी को वापस मांगा तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे बताया कि ईव तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसने आइलीन की याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस बंद कर दिया और आइलीन को सब कुछ याद आ गया। उस दिन बीच पर ईव पूरा वक्त उसके साथ खेली, जबकि रॉजर सिर्फ सोता रहा। तभी आइलीन को पता चला कि उसकी बोतल में शराब थी, जिससे दोनों में बहस छिड़ गई और रॉजर ने गुस्से में आकर आइलीन को चांटा मार दिया। इससे आइलीन की ताकत जाग गई और वो अपने आपे से बाहर होकर चिल्लाने लगी। अनजाने में इसी वजह से उसका पति और बेटी दोनों मर गए। अब एडमिनिस्ट्रेटर उसे आगे भेजकर उसकी सारी यादें मिटाना चाहता था। आइलीन को एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी यादों में ही तो जिंदा है, इसलिए उसने अपनी याददाश्त मिटाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो फिर से इन सारे पड़ावों को पार करने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर मान गया और वो फिर से सपने में ईव को देखने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से उसी कमरे में बंद हो चुकी थी। उसे अब तक जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। अब उसे फिर से पेंसिल को हिलाने वाले काम से शुरुआत करनी होगी। अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चूज करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।